हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जागरूक टीवी की कोरोना अपडेट, जानिए जोधपुर का क्या है हाल। 38 लोगों ने दी कोरोना को मात, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हुए अस्पताल से विदा। शहर में शनिवार को एक साथ 38 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। इस तरह शहर में अब तक 169 लोग पूर्ण रूप से ठीक होकर अपने घर या क्वारंटाइन सेंटर जा चुके हैं। आज अस्पताल से घर लौटने वालों में से 12 जनों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, यानी बुजुर्ग लोग भी कोरोना को आसानी से मात दे रहे हैं। ठीक होने वालों में 19 पुरुष व 19 महिलाएं हैं। जोधपुर शहर में इस सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से छलांग लगा आगे बढ़ा है, लेकिन अस्पताल से राहत भरा समाचार भी सामने आ रहा है। जिन करके दिया तीन और में 4 ए पॉजिटिव थे, हमारे को पता भी नहीं था। हम तो आंगनवाड़ी चले गए थे, 7 दिन वहाँ पर रहे भी थे। फिर डॉक्टर साहब ने हमारी चेकअप किया था, एक बार कुछ नहीं आया, दो बार कुछ नहीं आया, तीसरी बार में ये पॉजिटिव बताया हमारे को। कितने दिन बाद घर जा रहे हैं? हम 14 दिन के बाद जा रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं। हम यहाँ पर आए थे, हम तो बहुत घबराए थे। अब यहाँ पे आने के बाद हम ठीक होकर जा रहे हैं, उससे कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम कोरोना को हराकर हम जीत गए हैं। आज मथुरादास माथुर अस्पताल से एक साथ 38 जनों को घर के लिए रवाना किया गया। बड़ी मायूसी के साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले ये लोग कोरोना को पराजित कर एक विजेता के समान आत्मविश्वास से लबरेज होकर यहां से विदा हुए। अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों ने ताली बजाकर इन सभी को विदा किया। इस तरह जोधपुर शहर के अब तक 169 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। MDM अस्पताल में अब तक 203 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, इनमें पोकरण, पाली व बाड़मेर के लोग भी शामिल हैं। वहीं मंडार में बॉर्डर पर उमड़ा प्रवासियों का हुजूम। मंडार बॉर्डर पर आज दूसरे दिन भी प्रवासियों के आने का क्रम जारी रहा। शनिवार को लगातार दूसरे दिन करीब 3000 से ज्यादा लोग बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश हुए। आज दिन भर ज्यादा भीड़ होने के कारण प्रशासन को अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ी। साथ ही मौके पर जिला कलेक्टर सिरोही, पुलिस अधीक्षक सिरोही, जालौर से पहुंचे कांग्रेस नेता रतन देवासी ने भी बॉर्डर का जायजा लेने के साथ अधिकारियों से बात करने के साथ प्रवासियों से भी बात की। साथ ही उपस्थित उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक फाउलाल मीना, थाना अधिकारी छगनलाल डांगी, नायब तहसीलदार हेमाराम, आसूराम छगनपुरी, हेमंत सिंह, शुक्र भाटी, मफतलाल बुनकर आदि मौजूद रहे। जागरूक टीवी की कोरोना अपडेट पर खास रिपोर्ट।